आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। शुक्रवार को बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान, 60,000 जवान संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा। चुनाव आयोग ने बनाए हैं 1,961 मतदान केंद्र। मतदान से पहले बस्तर आईजी और कलेक्टर ने की अपील, कहा बिना भय के करें अपने वोट का इस्तेमाल, प्रशासन ने किया है सुरक्षा का पूरा इंतजाम। बस्तर कलेक्टर ने फूल देकर मतदान दलों को किया रवाना, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स की होगी तैनाती, 100% मतदान का रखा गया है लक्ष्य। बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने भरा नामांकन, सीएम सहित बीजेपी के दिग्गजों ने रैली कर दिखाया दम, शुक्रवार को पहले चरण का मतदान। रायगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मेनका सिंह ने भरा नामांकन, कांग्रेस दिग्गजों ने पर्चा भरने से पहले की रैली, बैनर लगा होने पर उठे सवाल। कोरिया में फिर गेज नदी के किनारे फेंका गया मेडिकल वेस्ट, पानी के प्रदूषित होने की बड़ी संभावना, स्थानीय लोगों ने की शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई। भिलाई के सुपेला में चल रहा था हुक्का बार, पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। बालोद के कपिल साहू ने किया कमाल, बाइक को किया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कन्वर्ट, महीने में 2 यूनिट बिजली से चलती है हजारों किलोमीटर गाड़ी। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।